हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के देहरा के हरिपुर में सीआरपीएफ के कमांडो कोबरा की ट्रेनिंग सेंटर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, हरिपुर में सीआरपीएफ कोबरा कैंप खोला जाना है और इस कैंप के लिए हिमाचल सरकार ने 250 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन किया गया है। देहरा के विधायक होशियार सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि सीआरपीएफ के अधिकारी पिछले काफी समय से देहरा उपमंडल के हरिपुर में अपने सीआरपीएफ ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि की तलाश में जुटे हुए थे। विधायक ने कहा कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीआरपीएफ ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर के लिए 250 एकड़ जमीन की ट्रांसफर की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मुफ्त में यह जमीन सीआरपीएफ के नाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद सीआरपीएफ यहां कोबरा ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा, जहां 2500 फैमिलीज का बेस कैंप भी बनेगा, साथ ही यहां रिक्रूटमेंट का सेंटर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 10000 के लगभग नए लोग आएंगे, जिससे इलाके की तरक्की होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विधायक ने कहा कि किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ एक कंपनी ने हमसे लगभग 500 कनाल जमीन मांगी है, जहां पर सारे आवारा पशुओं को इकट्ठा करके रखा जाएगा, जिससे देहरा में सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी और किसान आसानी से अपनी जमीन में खेती कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी 3 स्थायी इको टूरिज्म में चयनित किए गए हैं। देहरा वासियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बहुत बड़ी स्वागत हमें दी है, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है देहरा वासियों के लिए। बहुत जल्द सीआरपीएफ का जो है यहाँ पे बेस कैंप खुलने जा रहा है, जिसके लिए जो उन्होंने ज़मीन मांगी थी 250 एकड़ ज़मीन, उसकी मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ज़मीन, सीआरपीएफ के नाम की जाएगी, जिसके बाद सीआरपीएफ जो है यहाँ कोबरा ट्रेनिंग सेंटर और उनका कोई लगभग 2500 फैमिलीज़ का बेस कैंप बनेगा और साथ ही में रिक्रूटमेंट सेंटर बनेगा। और ये जो इलाका है, इसमें लगभग 10000 के करीब नए लोग यहाँ पर आएंगे, जिससे कि हमारे इलाके की बहुत बड़ी तरक्की होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मैं अपने देहरा की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस बेस कैंप के लिए मैंने भी बहुत प्रयत्न किए हैं, फाइलें लेकर के मैं भी बहुत भागदौड़ की है। पीछे आईजी साहब आए थे, उनको साइट विज़िट करवाई, ये सारे कार्य हमने करवाए हैं और इसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये हमारे देश, हमारे देहरा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इन्वेस्टर मीट में भी आपकी अहम भूमिका है, तो क्या रहेगा, हिमाचल में कितने इन्वेस्टर आएंगे और देहरा में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? पहली बार हिमाचल के इतिहास में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा था 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का, जो लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 83,000 करोड़ की एमओयू साइन हो गए हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनियां विदेश, देश विदेश से यहां पर आ रही इन्वेस्टमेंट करने। टूरिज्म सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, वैसे फार्मा सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर, हर सेक्टर में आ रहे हैं। हमने भी प्रयास किया है कि आईटी सेक्टर में हम इंडस्ट्री ला रहे हैं, टूरिज्म में ला रहे हैं, जो हमारे सर्कल के लोग हैं, बम्बई में है, विदेशों में है, तो वो भी यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने भी एमओयू साइन किया है, जिससे हज़ारों लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पर देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी 3 टूरिज़्म सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, इको टूरिज़्म सेक्टर, जो कि यहाँ पर लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रयास रहा जयराम ठाकुर जी का और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और आने वाले समय में जो है इसका जो लाभ है हमारी जनता को मिलेगा, सभी को मिलेगा। जैसे देहरा विधानसभा में काफ़ी किसान हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कोई जी आ रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जैसे एक कंपनी है, जैसे आपको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर तो नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारे आवारा पशुओं की जो समस्या है, तो उस कंपनी ने हमसे ज़मीन मांगी है कि हमें 500 कनाल से 600 कनाल, 1000 कनाल ज़मीन दे दें, ताकि वो सारे आवारा पशु वो ले लेंगे, जिससे कि वो सीएनजी गैस प्लांट लगाना चाहते हैं और उन आवारा पशुओं से भी किसानों को जो तकलीफ़ में आज बैठे हैं, उन्हें रियायत मिलेगी और एक प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट आ जाएगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें 500 से 1000 कनाल जमीन भूमि जो है उन्हें मुहैया कराऊँ। तो ऐसी अगर इंडस्ट्री हमारे इलाके में आती है तो किसानों को भी फ़ायदा है, और जब हमारा पशु नहीं होंगे तो किसान अपनी भूमि फिर जो है बोने लगेगा और फ़ायदा तो उसका होना ही होना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।